हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ारास कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कैबेज खीमा। हम चिकन खीमा को कैबेज में डाल के बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आप इसको पूरी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार रहता है और हेल्दी फूड भी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। लेट्स वॉच इट्स इंग्रेडिएंट्स। ये चिकन का खीमा है और एक कैबेज, चॉप्ड कैबेज। मैंने इसको काट लिया है कैबेज को। ये मेथी लीव्स, वन ऑनियन, थोड़े से चिल्लीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, वन टोमेटो एंड कोरिएंडर लीव्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने ऑयल हीट कर लिया और इसमें ऐड किया है ऑनियंस। अब हम इसमें डालेंगे मेथी लीव्स। इसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्च। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन खीमा। देखिए, मैंने चिकन खीमा ऐड कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैबेज और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर और टोमेटो सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करके हम इसको बॉईल कर लेंगे, सिर्फ ओनली टू विजल्स के लिए। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। देखिए, अच्छे से बॉईल हो चुका है। फाइनली मैंने इसमें ऐड किया है कोरिएंडर लीव्स। साल्ट और रेड चिल्ली पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। आप जितना तीखा खाते हो उतना मसाला और साल्ट ऐड कीजिए। देखिए, हमारा डिलीशियस कैबेज खीमा रेडी हो चुका है। चिकन खीमा और कैबेज मिक्स्ड। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप डेफिनेटली ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। पूरी में बहुत अच्छी मज़ेदार रहती है। आपको ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है पूरी के साथ अगर ये आप खाएंगे तो, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा मज़ेदार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई रेसिपी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर